येस स्टूडेंट नाउ वी विल डिस्कस स्टेंजा नंबर ऑफ़ द पोएम वी आर सेवन दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम तो अब तक हमने देखा जो डिस्कशन हुआ पोइट और उस छोटी बच्ची के बीच में किस तरह जो कवि हैं वो पूछते हैं कि आप कितने भाई बहनों एंड द लिटल गर्ल रिप्लाई दैट she has seven siblings including her and then she tells that two of her siblings live at Conway two of them are gone to the uh, two of them have gone to the sea and two of them are lying in the churchyard so the poet asks if the two are lying in the churchyard then they must be five so she then she explains फिर वो कहती है कि किस तरह उसके दो भाई बहनों की Jane और John की मृत्यु हुई आपको नाम बेटा याद रखना है दिस कूड ऑल्सो भी अ क्वेस् तो वो डिस्क्रिप्शन देती है एंड शी ऑल्सो टेल्स दैट शी डेंट फील दैट दे आर गॉन अफ आर वो बहुत दूर चले गए ऐसा उसे नहीं लगता उनकी ग्रेव्स जो हैं वो उसकी झोपड़ी जहाँ वो हट जो कॉटेज जिसमें वो रहती है इट इज़ नीयर बाई द ग्रेव्स ऑफ हर सिबलिंग्स आर ओनली ट्वेल्व स्टेप्स अवे फ्राम हर काटेज

के साथ उनकी कंपनी में उनके साथ नहीं उनके ऑफ कंपनी में वो खाती तो शी स्टिल थिंक्स दैट दे आर हाउ दे आर देयर एंड शी लाइक्स बीइंग विद देम। तो अब इतना हो जाने के बाद पोइट एक बार फिर उससे पूछता है छोटी बच्ची से हाउ मैनी आर यू देन स्टैंड की लाइन्स हम देखते हैं हाओ मैनी आर यू देन से डाई आई मी आई इज़ हेयर फॉर दी पोट पोइट के लिए आया है कि मैंने फिर उससे कहा किससे कहा छोटी बच्ची से हाउ मैनी आर यू देन अच्छा तो फिर अब बताओ तुम कितने हो हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू कितने हो इफ दे टू आर इन हेवन अगर दो तुम में से जो दो हैं वो हैवेन में चले गए इट इज़ कंसिडर्ड दैट द पीपल हु डाई गोज़ टू हैवन वो स्वर्ग में चले गए नाउ दे आर नॉट हीयर Quick was the little maid's reply. Little maid's little girl. Quick means fast. उसका बहुत जल्दी से reply आता है उत्तर आता है बच्ची का. Oh master, we are seven. Sir, master का मतलब यहाँ मालिक नहीं है. This is a civil form of address, uh, a civil uh, way of addressing uh, gentleman. Oh master, we are still seven. We are still seven. Why are you asking this?

देखना ज़रूरी है बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं आई होप आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रखने की कोशिश की है सो दैट हिंदी इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पोएम वेल एंड इंग्लिश इज़ नेसेसरी ताकि आप यू शुड हैव वॉकेबिलिटी टू राइट एक्सप्लेनेशंस इन द एग्ज़ाम्स थैंक यू